हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग करेंगे कृषि तथा पशुपालन से संबंधित टॉप 50 क्वेश्चंस, ओके, जो आपके खंड शिक्षा अधिकारी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी दबा लें ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो पहला क्वेश्चन बनता है गाइस, भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान अवस्थित है, तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए बरेली में। अगला क्वेश्चन है, भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है, तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश जो होता है, उत्तर प्रदेश जो है वो अधिकतम गेहूं का उत्पादन करता है। अगला है, पूसा सिंधु गंगा एक प्रजाति है, तो पूसा सिंधु गंगा किसकी प्रजाति हो जाएगी, ऑप्शन ए गेहूं की। अगला है, निम्नलिखित देशों में से किसमें चावल की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र हैं, तो ऑप्शन बी भारत। अगला क्वेश्चन है, मिर्च की तीक्ष्णता का कारण है, तो मिर्च की जो तीक्ष्णता मतलब कड़वाहट की जो कारण होता है वो किसके कारण होता है, ऑप्शन बी कैप्सेइसिन की उपस्थिति के कारण। अगला है, अल्फाल्फा है, तो अल्फाल्फा क्या है, ऑप्शन ए एक प्रकार की घास। नेक्स्ट है, रतन प्रतीक व महातेओरा नामक फसल प्रजाति की खेती की अनुमति केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने दे दी है, यह किस फसल की प्रजातियां हैं, ऑप्शन ए खेसारी दाल। नेक्स्ट है, किस कृषि क्षेत्र में छोटे क्षेत्रों में अधिक मानव श्रम की आवश्यकता होती है, ऑप्शन डी, तो देखिए दो ऑप्शन ये हैं, तो ऑप्शन डी वाला हो जाएगा व्यापारिक बागवानी। अगला क्वेश्चन बनता है, भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। अगला है, कंचन एक उन्नत किस्म है, तो कंचन एक उन्नत किस्म किसकी हो जाएगी, ऑप्शन बी आमला की। अगला है, विश्व में चुकंदर के दो सबसे बड़े उत्पादक देश क्रमशः हैं, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी रूस एवं फ्रांस। नेक्स्ट, निम्नलिखित देशों में से किसमें कपास का प्रति हेक्टेयर उत्पादन 2014 विश्व में सर्वाधिक था, तो ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। अगला है, यूएसए के निम्नलिखित राज्यों में किसमें कॉफी का उत्पादन होता है, तो ऑप्शन सी हवाई। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, खेती है और खेती का नामकरण, तो इसमें से चार ऑप्शन जो दिए हैं इसमें से गलत वाला बताना है, तो ऑप्शन सी सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर, ये गलत हो जाएगा, ओके। अगला है, निम्नलिखित देशों में से किसमें धान की उत्पादकता सर्वाधिक है, तो ऑप्शन ए चीन। अगला है, विश्व का धान जीन बैंक स्थित है, ऑप्शन बी फिलीपींस में। अगला क्वेश्चन बनता है, निम्नलिखित में से कौन C4 पौधा है, तो ऑप्शन सी मक्का। अगला है, आम की निम्न प्रजातियों में से कौन नियमित फसल वाली प्रजाति है, तो ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं, ना तो चौसा ना तो लंगड़ा ना तो दशहरी फर्स्ट। अगला है, बासमती चावल की रोपाई हेतु उपयुक्त बीज दर है, तो ऑप्शन सी 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अगला है, सूची एक को सूची टू से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए, सही उत्तर का नाम चुनना है, सूची वन में दिया है फसल का नाम
और सूची 2 में दिया बीमारी का नाम। तो दोस्तों देखिए कूट जो दिए गए थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं फिर मिलाते हैं। तो देखिए दोस्तों इसका जो आपका आंसर हो जाएगा आपको बता देता हूँ, ऑप्शन बी। देखिए ए वाला जो गन्ना है इसका हो जाएगा ऑप्शन 2 वाला रेड कार्ट, और धान का जो हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा खैरा, और अरहर का जो हो जाएगा वो हो जाएगा चौथा उकठा बिल्ट, और आलू का हो जाएगा झुलसा लेट वाइट। ओके नेक्स्ट है, कौन सा मसाला भारत के काला सोना के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए काली चिर्म। अगला है पूसा सुगंधा 5 एक सुगंधित किस्म है। ऑप्शन सी धान की। अगला क्वेश्चन है भारत की निम्न फसलों में से किस फसल के अंतर्गत उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र के सिंचित क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत है? ऑप्शन डी गन्ना। अगला क्वेश्चन है फसल का प्रकार जिसमें हवा से नत्रजन संचित करने की क्षमता होती है? ऑप्शन बी दालें। नेक्स्ट भागीरथी घाटी में राजमा और आलू की खेती प्रारंभ करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो ऑप्शन ए बिल्सन को। नेक्स्ट है सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश का कौन सा है? देखिए दोस्तों इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए चीन। अगला है धान की उत्पत्ति हुई, तो धान की उत्पत्ति कहाँ से हुई? ऑप्शन बी दक्षिण पूर्व एशिया में। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी बासमती चावल की संकर प्रजाति है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए पूसा RH10। अगला है करनाल बंट एक बीमारी है, तो करनाल बंट किसकी बीमारी है दोस्तों? ये हो जाएगा ऑप्शन डी गेहूं की एक बीमारी है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? चार दिए गए ऑप्शन, इसमें से सही वाला बताना है। ऑप्शन ए धान हरित बाल। ओके तो धान की जो फसल होती है उसमें जो बीमारी होती है वो हरित बाल होती है। अगला है निम्नलिखित में से गेहूं की कौन सी प्रजाति प्रेरित उत्परिवर्तन द्वारा विकसित की गई है? तो ऑप्शन बी सोनारा 64। अगला क्वेश्चन है भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक कौन सा राज्य है? ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ऑप्शन सी तमिलनाडु। अगला सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में फसल है और सूची 2 में शीर्ष उत्पादक राज्य हैं जिसको हमें कूट द्वारा आपको बताना है। तो इसका आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन सी वाला। ओके देखिए मूंगफली का हो जाएगा पहला वाला गुजरात, और सरसों का हो जाएगा राजस्थान, सामने सामने है, सोयाबीन का हो जाएगा मध्य प्रदेश, नारियल का तमिलनाडु। अगला है राज 3071 एक प्रजाति है, तो ऑप्शन डी गेहूं की। नेक्स्ट है निम्नलिखित राज्यों में से किसमें धान की उत्पादकता सर्वाधिक है? तो ऑप्शन ए पंजाब। अगला है मही सुगंधा किस फसल की प्रजाति है? तो ऑप्शन ए धान की एक प्रजाति है मही सुगंधा। अगला है वर्ष भर बोई जाने वाली फसल है, तो ऑप्शन डी मक्का। नेक्स्ट है पीताम्बरी एक प्रजाति है, तो पीताम्बरी किसकी प्रजाति है? ऑप्शन सी सरसों की। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इलायची के उत्पादन के लिए पहचान नहीं रखता? ऑप्शन डी ओडिशा। अगला है राष्ट्रीय बागवानी परिषद बोर्ड की स्थापना
हुई थी। तो ये हुई थी ऑप्शन सी वर्ष 1984 में। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। और अगला है, गन्ना उत्पादन 2014-15 में राज्यों का सही अवरोही क्रम है, मतलब बड़े से छोटे। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश आएगा सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, फिर महाराष्ट्र आएगा, फिर कर्नाटक, फिर तमिलनाडु। अगला, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य है? ऑप्शन सी केरल। नेक्स्ट है, ट्रिट्रीकेल निम्न में से किन दो बीज के का संकर क्रॉस है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी गेहूं एवं राई। अगला है, पायरिल्ला किस फसल का कीट है? ऑप्शन डी गन्ना। अगला है, सैनिक कीट मुख्यतः किस फसल का कीट है? तो ऑप्शन सी धान। नेक्स्ट है, टिक्का रोग किस फसल में होता है? तो टिक्का रोग होता है ऑप्शन सी मूंगफली में। अगला है, क्लोरोफिल की संरचना में कौन सा तत्व भाग लेता है? ऑप्शन ए मैग्नीशियम। और लास्ट है आज का, आलू की अंगेती अंगमारी किस कवक के कारण होती है? ऑप्शन ए अल्टरनेरिया सोलेनाई। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।